रनिंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल में निकली भर्ती के बारे में। सो फ्रेंड, जो भर्ती निकली है इंडियन ऑयल में आपकी इंजीनियर की गेट के द्वारा, जिन्होंने गेट के पेपर दिए हैं या उन्होंने अपियर्ड हुए, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इससे पहले मैं इस वीडियो के आप लोगों के लिए आपको शॉर्ट में जानकारी बता चुका हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ, फिर हम चलते हैं इसके ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड, ज्वाइन इंडियन ऑयल बी ए पार्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। 7 जुलाई 2021 को है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू गेट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं जो कि रिक्रूटमेंट इंजीनियर ऑफिसर एंगेजमेंट ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियर की है। तो यहाँ पे इसके लिए आप दे सकते हैं कौन कौन से विभाग हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। जिन लोगों ने इसमें आप इंजीनियरिंग कर रखी है वो यहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी नागरिकता इंडियन मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन दे रखे गेट 2021 के लिए, वो यहाँ पे आपको कोड सहित दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके आप बारे में दे सकते हैं। बाकी इसकी देखिए पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो वो आप हमारा वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको SC ST है तो लाभ मिल जाएगा। आपकी अपर एज लिमिट रखी गई 26-30 जून 2021 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए जनरल कैटेगरी के OBC के 65% होना चाहिए आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में, शेड्यूल कास्ट के लिए 55% यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की तरफ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की कंप्लीट जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम। तो यहाँ पे देखिए हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे आ चुके हैं। देखिए ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए और आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे वैलिड हो जाए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है और तारीख यहाँ पे देखिए 10/7 से 26/7 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको बताना है गेट रजिस्ट्रेशन नंबर 2021, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गेट आपका जिस डिसिप्लिन से किया है, यहाँ पे मार्क इन गेट आपको आउट ऑफ 100, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे इंटर आपको पासवर्ड करना है और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको करना है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए, इसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए आपको OTP आएगा, आपके SMS या आपकी ईमेल आईडी दोनों में किसी एक आप लेकर यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है। OTP आपको इंटर डालना है, इनका इंटर यो पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन करेंगे, OTP आपको एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे एक्टिवेट हो जाने का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट, तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड और जो कैप्चा है इसको कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन पे आप जा पाएंगे, इसके आपका लॉगिन कर पाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपको देखिए अपना कैंडिडेट का नाम हो, जिसका जो नाम होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। कैंडिडेट के नेम आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार, यहाँ पे पेरेंट नेम आपको गेट 2021 के लिए, फादर नेम यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे मदर नेम आपकी अपनी DOB होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है आपकी 30/6/2021 के अनुसार क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया जाएगा 30/6/2021 के अनुसार क्या चल रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना जेंडर मेल फीमेल है वो बताना है, यहाँ पे आपको शादीशुदा है या सेपरेटेड है, विडो है, यहाँ पे बताना है। रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको बताना है आपका धर्म क्या, माइनॉरिटी से यस या नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी है आपकी, जो कैटेगरी है जनरल इकोनॉमी सेक्टर OBC SC ST, यहाँ पे बताना है क्या फिजिकली डिसेबल है, यस या नो करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप जब यस करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी टाइप देखने को मिल जाएगा, परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ। तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे आपने फिजिकली डिसेबिलिटी यस किया तो आपको टाइप आएगा, नेचर आप किस टाइप का है, परसेंटेज यहाँ पे डेट आपको सर्टिफिकेट जब बना था उसके बारे में, यहाँ पे वेदर यू एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है, यहाँ पे इसकी जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है क्या प्रेजेंटली आप इंगेज हैं विद IOCL की आपके साथ, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। वेदर डोमिनेट आपका डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर के बिटवीन 1980-1989 के बीच में, तो यहाँ पे इसके बारे में बताना है।
इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए स्टेट आपका सेलेक्ट, स्टेट आपका नेशनलिटी आपको, तो यहाँ पे आपको देखिए सेलेक्ट आपको स्टेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जिस स्टेट से है यहाँ पे नेशनलिटी बतानी है आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपको इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पे आपको सेंटर चॉइस करना है 1-2, यहाँ पे आपको देखने वाले इसका 7, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए एड्रेस है, वो यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा, अपना एड्रेस बताना है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस है वो उसकी जानकारी देनी है, हाउस नंबर, विलेज आपका, स्ट्रीट, टाउन, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, जैसे आप स्टेट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, पिन कोड बताना है, अगर ये दोनों आपके सेम है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो यहाँ पे उसकी आपको अलग अलग डिटेल देनी पड़ेगी सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका रहेगा, आपका स्टेट आपको देना है, एड्रेस के बारे में आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड हमारा तीसरा स्टेप है, इसके बाद आपकी 6 स्टेप है कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका आपका एजुकेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपने हाई स्कूल के सबसे पहले आपका एग्जामर हाई स्कूल का सेलेक्ट बोर्ड करना है, जिस बोर्ड से किया है, यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट स्टेटस क्वालिफाई पास आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आपका मार्क सिस्टम यहाँ पे बताना है, आपका जो पासिंग ईयर है वो बताना है, मैक्सिमम मार्क आपके ग्रेड ऑप्टेन आपका जो है वो बताना है, परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो सैंपल ग्रुप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्वालिफाई है, यहाँ पे आपको मार्क सिस्टम है, आपका परसेंटेज या ग्रेड आपका ग्रेडिंग सिस्टम वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके 12th का है आपको सेलेक्ट बोर्ड करना है, यहाँ पे आपका कौन सा बोर्ड है वो क्वालिफाई आपको बताना है, आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, परसेंटेज आपका ग्रेडिंग सिस्टम वो यहाँ पे बताना है, कौन से साल में किया था, ठीक है। इस तरीके से मार्क ऑप्टेन आपको मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन कितने हैं वो यहाँ पे आपको जानकारी दे, परसेंटेज यहाँ पे बताना, ठीक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रेंड, डिस्प्ले होगा यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परसेंटेज यहाँ पे ग्रेड आपको बताना है, ईयर यहाँ पे बतानी है, इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपका ग्रेजुएशन है, यहाँ पे बी बी टेक आपका इंस्टीट्यूट का नाम, क्वालिफाई है यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पे बताना है, इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज ग्रेड है आपका कौन से सन में किया था, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन मार्क परसेंटेज यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वालिफाई एग्जाम जो डिसिप्लिन है जिस डिसिप्लिन से आपने किया उसको यहाँ पे बताना है, 5 डिसिप्लिन के आप जानते हैं उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेदर ये बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग ऑप्टेन थ्रू फुल टाइम, यस यहाँ पे आपको करना है, हमारे फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर है, तो यहाँ पे इस तरीके सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, यस या नो करना है, ठीक है। अगर फ्रेंड आपके वो वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको नेम और एड्रेस एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे बताना है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट आपकी क्या थी, डेजिग्नेशन क्या थी, कब से लेकर कब तक काम किया उसकी यहाँ पे तारीख, यहाँ पे एनुअल ग्रोथ क्या थी, रीजन फॉर लीविंग यहाँ पे आपको करना है, सेव डाटा पे क्लिक करना है। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपकी किस टाइप की है तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। जैसे आपका गवर्नमेंट है या आपका प्राइवेट है, जो भी यहाँ पे बताएं, इस तरह नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे आप बता सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देने के बाद सेव यहाँ से डाटा करते हैं, एक से अधिक है तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपका जो अपना फोटो है वो अपलोड करना होगा, जो कि आपका 200 KB का रहेगा, 10 मिनिमम JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको देखना अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं 100 KB अधिकतम, अटैच अपना आधार करना 200 से 110 KB के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आधार आपको आपको कैंडिडेट के साइन फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सम्पेन तीनों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो दिखाई दी जाएगी सैंपल के रूप में एज पर द गेट 2021। तो यहाँ पे आपको देखिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यह थी आपकी जानकारी इंडियन ऑयल में निकली अप्रेंटिसशिप आपके ग्रेजुएशन और इंजीनियर पोस्ट की वैकेंसी के बारे में, जिसकी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, उसके नोटिफिकेशन का मैं प्रीवियसली वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।